हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है अंडे के अंदर का द्रव उबलने के बाद ठोस क्यों हो जाता है। तो अंडे के अंदर पानी, प्रोटीन, वसा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मुर्गी के अंडे में 3/4 भाग पानी होता है, जिसमें एल्ब्यूमिन, प्रोटीन व वसा मिली होती है। प्रोटीन अधिकतम सफ़ेद भाग में होती है और वसा अधिकतम पीले भाग में पाई जाती है। ताप लगने पर प्रोटीन के अणु आपस में जुड़कर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा होने के कारण यह सख्त हो जाता है, यानी कि ठोस की तरह हो जाता है लगभग में। इस क्रिया के कारण या तो प्रोटीन वाला भाग अंडे से अलग हो जाता है, या अंडे में उपस्थित तरल के साथ मिलकर गाढ़ा हो जाता है। ताप की मात्रा पर निर्भर, अंडा ताप मिलने पर सख्त हो जाता है। सो थैंक यू।